आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर की, यानी कि कैंसर्स ऑफ द कोलन एंड रेक्टम। ये एक बहुत ही कॉमन कैंसर है पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया, और इसके बहुत सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जिसमें एक सिम्टम है स्टूल्स में ब्लड आना, दूसरा सिम्टम्स है ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट्स, यानी कि अगर आपकी मोशन करने की जो तरीका है, मान लेते हैं आप दिन में एक बार मोशन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से या दो तीन महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चार पांच बार जाना पड़ रहा है, हर बार जाने के बाद आपको ऐसा फीलिंग आता है कि अभी भी पेट पूरा साफ नहीं हुआ है, तो ये भी एक कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। तीसरा, पेट का फूलना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, ये सब इस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सारे टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या है? कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर दूरबीन डाल के लार्ज इंटेस्टाइन में डॉक्टर ये देखता है कि क्या कारण है खून जो स्टूल में आ रहा है उसका या सिम्टम्स का। वो कारण अगर कोई ट्यूमर अंदर नज़र आता है तो उसकी बायोप्सी ली जाती है, और उस बायोप्सी से फिर कन्फर्म होता है कि ये कैंसर है या बिना कैंसर वाली बीमारी है। कैंसर जनरली जिसको होता है उसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ये सबसे कॉमन तरीके का कैंसर है। इस कैंसर का इलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्जरी से होता है, और ये मेजर सर्जरी लेप्रोस्कोपी से भी होती है। कभी कभी जब मरीज़ लेट स्टेज में आता है, जैसे कि थर्ड स्टेज में, तो उसमें हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इनिशियल स्टेज में दे के, फिर सर्जरी करके, और फिर सर्जरी के बाद वापस से कीमोथेरेपी दे के मरीज़ का पूरा इलाज हम कर पाते हैं। कोलन और रेक्टम के अलावा एक और तीसरा हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हम बोलते हैं एनल कैनाल, यानी कि पॉटी का जो रास्ता है उसके 3 से 4 सेंटीमीटर के पीछे का रास्ता। अगर यहाँ का कैंसर है और बायोप्सी में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आता है, तो इसका ट्रीटमेंट अमूमन पूरा का पूरा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से होता है, और सर्जरी बहुत रेयरली रिक्वायर्ड होती है। सो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी ऐसी तकलीफ लगे तो डॉक्टर से मिलिए, कोलोनोस्कोपी की सलाह मिले तो उसको करवाइए। बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर आ भी जाता है तो घबराने की बात नहीं है। कोलन और रेक्टम का कैंसर का बहुत अच्छा इलाज हमारे पास है, और उसको लीजिए, चाहे फिर वो लंबा इलाज हो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी का, चाहे डायरेक्ट सर्जरी से कंप्लीट इलाज हो। यही एक तरीका है इस कैंसर से उम्र बढ़ाने का और निजात पाने का। थैंक यू।